नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो पिछली क्लास में हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इससे रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट की ओर हम बढ़े हैं। सो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आप अपने चारों ओर किस किस तरह के पदार्थ जो हैं उसकी तरफ आप सोचें, ऑब्जर्व करें। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, तो इनकी जो अवस्थाएं हैं वो किस किस प्रकार की हो सकती है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। अगर हम देखेंगे अपने आसपास तो हम क्या देखेंगे कि कोई भी पदार्थ जो है वो तीन रूपों में हो सकता है। कितने रूपों में हो सकता है? वो तीन रूपों में हो सकता है। या तो वो सॉलिड होगा, या फिर वो लिक्विड होगा, या फिर वो गैस अवस्था में होगा। तो ये जो तीन हैं, ये तीनों क्या होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, और इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, इन सब की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, सॉलिड जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी, और गैस की कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो देखिए, आप अपने आसपास जितने भी कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड आर्टिकल्स जो हैं, सॉलिड वस्तुएं जो हैं, उनकी अगर तरफ ध्यान दें। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पेन ले लिया, एक बुक ले ली, नीडल ले लिया, एक वुडन का स्टिक ले ली। तो अगर हमने ये सारी चीजें लेते हैं और हमको क्या करना है आप लोगों को कि इनका जो भी डायग्राम है एक, ठीक है, अलग अलग आकार जो है उनको आपको बनाना है। अब आप उनको बना लेंगे और उसके बाद आप क्या देखते हैं उनको, फिर ये देखें कि भाई किसी को हथौड़ा मार रहे हैं, या किसी को खींच रहे हैं, या किसी को गिरा रहे हैं, तो क्या होगा। क्योंकि भले वो ठोस हैं, सभी के सभी ये क्या हैं? ठोस हैं, लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद दे हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या इन दोनों में आपस में सॉलिड पार्टिकल्स में डिफ्यूजन होना संभव है? ये चीज आपको सोचना है। क्या इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड को? अगर मेरे पास ये पेंसिल है, ये ठोस है, इसको मेरे को कंप्रेस करना है, तो क्या मैं इसको कंप्रेस कर पाऊंगी? क्या मैं इस किताब को कंप्रेस कर सकती हूँ अगर मैं बंद करती हूँ? तो ये सारी चीजें आपको पहले सोचनी है, उसके बाद मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सॉलिड की सामने आई। सो ऑल द अबव एग्जाम्पल्स आर ऑफ सॉलिड। हमने देखा कि सारे एग्जाम्पल्स सॉलिड के थे, और हमने ये भी देखा अगर हम सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक चीज तो ये पता चलेगी कि इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हम इसके खींच सकते हैं, एंड दे हैव ऑल्सो फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका जो आयतन है वो भी सेम होता है, फिक्स्ड रहता है। तो ये तीन चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका निश्चित आकार होता है, निश्चित सीमाएं होती हैं, और निश्चित वॉल्यूम होता है। और अगर हम इनकी कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं कि हम कितना इसको दबा सकते हैं, तो बहुत नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी इनमें पाई जाती है, वरना हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड की निकल के आई है। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ठीक है, अगर कोई फोर्स लगाया जाता है इनको, तो ये जो है अपने जो इनका जो शेप है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर ज्यादा ठोस बल लगाया जाएगा तो हो सकता है कि वो ठोस टूट जाए, ठीक है, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिजिड होते हैं, ये दृढ़ होते हैं, दे आर रिजिड। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें पता चली? पहली बात, इनकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है, और ये रिजिड होते हैं। तो अब इसी के साथ हम एक और चीजें देख लेते हैं कि अगर आप रबर बैंड जो है उसकी एक फिक्स शेप है, लेकिन आप अगर उसे स्ट्रेच करते हो, अगर आप उसे खींचते हो, तो क्या होगा? इज इट सॉलिड? हमें पता है तो भी ये क्या सॉलिड माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि शुगर और सॉल्ट के बारे में आप क्या कहना है। अगर आप शुगर को अलग अलग जार में रखते हो तो उनके आकार में भी परिवर्तन हो जाता है, तब क्या ये ठोस माने जाएंगे? भाई, आपने उसको एक कटोरी में रख दिया तो सॉलिड जो है तो भले ही वो सॉलिड शुगर या सॉल्ट, या फिर आपने उसे एक प्लेट में रख दिया तब वो उनकी शेप बदल जाएगी, तो क्या उनकी शेप बदल रही है तो भी क्या वो सॉलिड माने जाएंगे? और तीसरी पूछिए कि जो स्पॉन्ज होता है वो क्या है, ठीक है, स्पंज क्या है? स्पंज ठोस है, लेकिन अगर आप उसको कंप्रेस करते हो तो आपने देखा होगा कि इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। आपके घरों के जो गद्दे हैं वो कई स्पंजेस के बने होते हैं, उनको अगर आप जोर से दबाते हो तो वो दब जाते हैं, तो क्या वो ठोस माने जाएंगे? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसके आधार पर हम सॉलिड्स की और कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि देखो, अगर हम बाहर से कोई बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं रबर बैंड पर, तो क्या होगा? रबर बैंड का जो शेप है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, आप रबर बैंड को खींच के देख सकते हैं रबर बैंड, और जैसे आप फोर्स हटाओगे तो रबर बैंड अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगी। अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो रबर बैंड टूट जाएगा। इसी प्रकार द शेप ऑफ इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट। अब हम वो ठीक है कि शुगर या सॉल्ट को अगर हम किसी जार में, अलग अलग जार में रखेंगे तो उनका शेप जो है वो पूरे के पूरे उस का शेप बदलेगा, लेकिन जो क्रिस्टल हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल हैं या शुगर के क्रिस्टल हैं, वो तो भाई फिक्स रहते हैं ना,
भले हम उन्हें हाथ में रखें या प्लेट में रखें या किसी जार में रखें, क्रिस्टल्स की शेप में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो बिल्कुल ये भी सॉलिड ही हैं। और तीसरा, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें एयर जो है वो भर जाती है, और जब हम उसे प्रेस करते हैं ना स्पंज को, तो वो एयर निकल जाती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, स्पंजेस में ये एबिलिटी है कि हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। तो हमने बात की भी थी भी कंप्रेस हो सकते हैं जनरली स्पंजेस, लेकिन कुछ ही एक्सेप्शंस हैं उनमें हम स्पंज को ले सकते हैं। तो ये तो हो गए सॉलिड स्टेट। अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड स्टेट की। अब लिक्विड स्टेट से पहले आपके सामने एक एक्टिविटी दी गई है। अब जैसे आपने सॉलिड में पेन, बुक, निडल इन सबको यूज किया था, इसी प्रकार से आपको इसमें भी क्या करना है। लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करते हैं, लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें तो देखिए, कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट 50 ml मार्क ऑफ दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम दी लेबोरेटरी। तो आपको ये ना जो पानी है या खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, इन सबका यूज करना है। 50 ml के सिलेंडर की सहायता से इनको मतलब भर लेना है अलग अलग शेप में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको आपको करना है कि क्या अगर आप इन सब लिक्विड्स को अलग अलग फर्श पर डालेंगे, फ्लोर पर डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर आप इनको एक एक बर्तन को करके डालेंगे तो क्या होगा, क्या इनका आयतन एक जैसा रहता है, वॉल्यूम एक जैसा रहता है हमेशा, क्या अगर आप है ना इनको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उडेलोगे, एक तेल को उडेलो एक पानी को उडेलो, तो क्या उनका जो टाइमिंग है या फिर जो प्रोसेस है वो एक जैसी होती है, क्या इनकी शेप जो है वो सेम रहती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं जब हम लिक्विड की बात करते हैं। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। जैसे कि हमने सॉलिड में देखा था कि उनकी फिक्स्ड शेप होती है, लेकिन लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती है, बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम फिक्स्ड हो सकता है, भाई 2 लीटर का जो दूध है आप उसे किसी भगोने में लोगे तो उसका शेप बदल जाएगा, अलग होगा। आप उसे किसी मटके में लोगे तो वो अलग हो जाएगा। तो उसका शेप बदल सकता है लेकिन उनका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। क्यों? क्योंकि जो भी लिक्विड होता है ना वो कंटेनर की शेप को ले लेता है जिसमें कि उसे रखा गया है। लिक्विड हमेशा फ्लो करता है, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिजिड नहीं होता है। जैसे कि हमने इधर बात की थी कि दे आर रिजिड, हमने क्या बात करी थी कि जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड थे, लेकिन लिक्विड्स रिजिड नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। दे कैन बी कॉल्ड एज फ्लूइड। अपने 1.4 और 1.5 एक्टिविटी पिछली क्लास में हमने देख रखी थी, तो उसमें क्या था कि जो सॉलिड है जैसे कि शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, उसको पानी में इजीली हम डिफ्यूज कर सकते थे, घोल पा रहे थे। तो उस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। यानी कोई सॉलिड, सॉलिड जैसे शुगर या फिर शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, या फिर लिक्विड्स भी, कुछ लिक्विड्स जो हैं वो भी आपस में क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफियर। और इसी के साथ आपने देखा होगा कि जो गैसेस होती हैं वो भी लिक्विड में क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं। सो गैसेस भी जैसे कि ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक प्लांट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने देखा होगा कि भाई पानी में भी तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए गैस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन गैस की। तो पानी के अंदर भी घुलित अवस्था में, ठीक है, डिजॉल्व स्टेट में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और इसी का वो प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि गैस भी पानी में, लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती है। सो कहने की बात यही है कि ठोस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये सभी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। सो ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। हम सभी को पता है कि भाई हमें अगर सर्वाइव करना है तो हमें ब्रीथ करना होगा, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर ही ब्रीथ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें किसकी प्रेजेंस होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है पानी के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इन टू लिक्विड, तीनों ही लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। अब जो रेट है डिफ्यूजन की वो ज्यादा होगी अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, हायर देन द सॉलिड्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन सॉलिड। ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं ना, जैसे ये सॉलिड है तो इसके अंदर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर डिफ्यूजन की संभावना होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी की लिक्विड्स में होती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ग्रेटर स्पेस इनको मिल जाता है मूव करने के लिए, और इसी वजह से इनमें जो डिफ्यूजन जो है
वो ज्यादा होगा लिक्विड में, सॉलिड में कम होगा। ये तो हो गई दो स्टेट की बात। अब तीसरी स्टेट हम देख लेते हैं, गैसीय स्टेट। ठीक है, गैसीय अवस्था की अगर हम बात करते हैं, जो ये तीसरी जो अवस्था है इसमें क्या है, आपने देखा ही होगा कि जो गुब्बारे फुलाने वाला जो व्यक्ति है तो अपने गुब्बारे कैसे भरता है, उसके पास एक कह सकते हैं सिलेंडर होता है गैस का, और वो फटाफट उनसे अपने बलून्स को भरता रहता है। तो ये तो एक सिंपल सी बात है। अब गैस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी आपके सामने दी गई है, आपको क्या करना है, आपको 100 ml की सिरिंज लेनी है, इसका जो आगे वाला नोजल है उसको रबर कॉक के द्वारा आपको बंद कर देना है। ठीक है, उसे क्लोज कर दीजिए, डायग्राम में दिया गया है जैसे कि। अब आपको क्या करना है, सभी सिरिंज का जो पिस्टन वाला पोर्शन है ना, पीछे वाला, उसको हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए कि आपको सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा देना है, और तीन आपको लेनी है इस तरह की सिरिंज। पहली जो है उसमें आपको सिर्फ सिर्फ हटा दीजिए, दूसरी में आपको पानी ले ले, एक में आपने वाटर ले लिया, और तीसरे में आपने कोई सॉलिड चौक के पाउडर भर दिया है। अब आपको तीनों में पिस्टन लगाना है। अब जैसे ही आप पिस्टन लगाओगे तो आपको पता लगाना है कि सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन सी जो सिरिंज है वो हो रही है। तो आप देखोगे कि जो सबसे पहले थोड़ा बहुत जो दबना हो रहा है वो किस में होगा, गैस में होगा, उससे कम वाटर में, और जिसमें चौक का बूरा हमने भरा है उसमें कंप्रेशन नहीं होगा, वो कंप्रेस नहीं हो पाएगी। तो ये तीनों चीजें आपको करनी है कि भाई आपको एक में पानी भर लेना है वाटर, एक में चौक का पाउडर भर लेना है, और अ पिस्टन बैक इनटू द, फिर पिस्टन को आपको वापस इसको दबाना है, तो आपको पता करेंगे कि कंप्रेस किस प्रकार से प्रोसेस ये हो रहा है। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहां पर हम देख लेते हैं, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात, ये जो गैसेज हैं उन वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, उनमें जो संपीड्यता हिंदी में बोला जाता है कंप्रेसिबल को, और मतलब दबने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो एलपीजी गैस के सिलेंडर होते हैं उनमें क्या है, भाई एलपीजी भरी हुई तो है, तो कंप्रेस्ड फॉर्म में एलपीजी गैस को रखा जाता है। इसी के अलावा देखिए, अभी कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन के सिलेंडर बहुत मिल रहे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन गैस है जो हॉस्पिटल में सप्लाई की जा रही है वो भी क्या है, कंप्रेस्ड फॉर्म में है। इसी प्रकार से सीएनजी फ्यूल जो है जिसका प्रयोग अनेक जगह किया जाता है वो भी कंप्रेस्ड फॉर्म में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी क्यों किया जा सकता है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हाईली कंप्रेसिबिलिटी जो है इसमें पाई जाती है, जो बहुत ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम जो है गैस का उसको भी हम कंप्रेस कर सकते हैं कि स्मॉल सिलेंडर में, और इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमने स्टेट ऑफ मैटर में पहले जो कंडीशन देखी थी सॉलिड्स की, तो सॉलिड जो होती हैं वो उनमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती थी, लेकिन जो गैस है उनमें कंप्रेसिबिलिटी जो है वो ज्यादा पाई जाती है। नाउ वी कम टू नो ऑफ वॉट इज बींग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। ठीक है, आपने कई बार देखा ही होगा कि हम रसोई में जाते भी नहीं है और हमको पता चल जाता है कि भाई क्या खाना बन रहा है, उसकी खुशबू हमें हमारे तक आ जाती है। तो वो जो खुशबू है, वो जो स्मेल है, वो कैसे आती है, उसका रीजन क्या हो जाता है, हाउ डज द स्मेल रीचेज अस, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड। ठीक है, फूड के जो पार्टिकल्स हैं, फूड की जो गंध है, अब खाने की गंध जो है वो नॉर्मल जो एयर की जो पार्टिकल्स है उनके साथ मिक्स हो जाती है, और देन ये थोड़ा आगे जाती है और हमको सूंघने में आ जाती है। लेकिन इसकी जगह अगर आप कोई सॉलिड चीज बना रहे हो या फिर कोई लिक्विड आप, ठीक है, कोई शरबत ही बना रहे हो, तो उसकी खुशबू तो एकदम से नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि जो पका हुआ जो गर्म खाना है उसकी महक तो हमारे पास आसानी से पहुंच जाएगी, क्योंकि ये डिफ्यूजन जो है गैसेस में बहुत फास्ट होता है, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सो इसी कारण, इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सॉलिड पार्टिकल्स देखिए वो बहुत ज्यादा ज्यादा दूर होते हैं ये पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास होते हैं, उससे थोड़े दूर लिक्विड में होते हैं, और सबसे ज्यादा दूर गैसेज अवस्था में पाए जाते हैं। तो इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड। ठीक है, रेंडमली ये इधर उधर 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 घूमते रहते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा जगह होती है, बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है। ड्यू टू दिस रेंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, इसके कारण करते हैं ये पार्टिकल्स आपस में भी एक दूसरे को हिट करते हैं, और ये पार्टिकल जो कंटेनर है जिस कंटेनर में ये है उसे भी हिट करते रहते हैं। इट हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द, अब ये जो प्रेशर जो यहां पर लगता है,
ठीक है, ये जो बर्तन की दीवारों पर गैस कणों के द्वारा जो हर एक पर यूनिट एरिया में जो बल लगता है उसके कारण इस जो गैस है उस पर भी दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें कुछ हो गई हमारी, किससे रिलेटेड, पदार्थ की अवस्थाओं से रिलेटेड। तीन अवस्थाओं में जैसे कि हमने देखा, पहली थी ठोस, दूसरी थी द्रव और तीसरी हो गई गैस अवस्था। तो तीनों की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर वो हमने देख लिया। अब इसके आधार पर बता भी सकते हो कि भाई सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या क्या डिफरेंस होता है। भाई पार्टिकल्स अगर क्लोजली पैक्ड हैं तो वो सॉलिड होगा, पार्टिकल्स अगर लूजली पैक्ड है तो वो लिक्विड होगा, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, सफिशियंट डिस्टेंस है तो वो गैस अवस्था हो सकती है। ये कुछ मेन डिफरेंसेस है। कंप्रेसिबिलिटी अगर हम देख लेते हैं तो सॉलिड में कम होती है, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होती है, और मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो गैसेस में होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद।